गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुआ पीके, भाजपा की उड़ी नींद, मचा बवाल। राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। प्रशांत किशोर उर्फ पीके के एक बार फिर से कांग्रेस में जाने की खबरें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और प्रशांत किशोर गुजरात विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में साथ काम करने की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सच में कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं या ये सब सिर्फ महज कयासबाजी है। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से बात कर खुद ही इसकी तस्वीर साफ कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ दो शब्दों में इसका जवाब देते हुए इसे फेक न्यूज बताया। मीडिया रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि प्रशांत किशोर मई तक कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट में प्रशांत किशोर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की भी बात कही गई। बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की बात आम हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सकता था। उस वक्त प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत होने की बात स्वीकार भी की थी। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। प्रशांत किशोर ने फिलहाल तो इसे फेक न्यूज बताकर इस बात को खारिज कर दिया है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इन राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर और पंजाब तक पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इन चुनावों के बाद साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलें एक बार फिर से चल रही हैं, जिन्हें उन्होंने नकार दिया है।